नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने टॉपिक लिया है एड्स, जिसको रूटीन में बहुत से लोग एचआईवी भी कह देते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि क्लिनिक पर बहुत से लोग आते हैं, खास करके युवा पीढ़ी से रिलेटेड बच्चे ज़्यादा आते हैं, यंग एज के, जो ये जानना चाहते हैं कि सर एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, क्या एचआईवी और एड्स सेम चीज़ है, अगर अलग है तो इनमें क्या फ़र्क है, और इसी तरह से ये किस तरह से बीमारी फैलती है, यानी वो खुद अनजाने के अंदर अपने यूथ के अंदर कोई ऐसी गलती नहीं कर बैठे जिसके कारण उनको भी ये खतरनाक बीमारी हो जाए और कहीं अपना जीवन खराब नहीं कर बैठे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, किस तरह से एचआईवी का जो संक्रमण है ये किसी में हो सकता है, एड्स बीमारी जो है किस तरह से आगे से आगे फैलती जाती है, और क्या सावधानियाँ हैं जिनको अगर बरता जाए तो ये बीमारी किसी को हो ही नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन इस टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा हम साइंटिफिक या साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे जिसको आम आदमी समझ नहीं सके। हम बहुत ही रूटीन की बातें, रूटीन के शब्दों में या लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एचआईवी है ये क्या है। एचआईवी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो ये एक वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी एक ऐसा वायरस जो इंसानों के अंदर उनकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। और वायरस, दोस्तों वायरस क्या होते हैं, अगर आप साइंस के हैं तो जानते हैं कि वायरस क्या होता है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप इतना सा समझ सकते हैं कि एक कीटाणु है, एक बीमारी पैदा करने वाला मतलब ऑर्गेनिज्म, कीटाणु, ये इस तरह की बीमारी पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब दोस्तों, किसी भी स्वस्थ आदमी के शरीर के अंदर अगर एचआईवी वायरस आ जाता है, अब ये कैसा आता है इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर किसी भी हेल्दी आदमी के, कोई भी स्वस्थ आदमी, उसको कहीं से भी ये वायरस मिल गया, ये इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आ गया, तो क्या होगा कि ये वायरस उसके शरीर में जाके कई तरह के बदलाव लाएगा, और उन बदलाव से उनके शरीर में कई तरह के लक्षण पैदा होंगे, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे। वो जो कंडीशन जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, वो जो सिचुएशन बनती है, उसको जो बीमारी है उसका नाम है एड्स। एड्स वापस एक शॉर्ट फॉर्म हो गई। इसकी अगर फुल फॉर्म हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब कहीं से आपको शरीर में ये वायरस आ गया, आपने उसको एक्वायर कर लिया, जिससे डिफिशियंसी इम्यूनो यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम था, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो सिस्टम था, आपका जो डिफेंस सिस्टम था वो डिफिशियंट हो गया, कमजोर हो गया, और उसके कारण आपके शरीर में सिंड्रोम आया। सिंड्रोम यानी बहुत सारे लक्षणों का समूह, यानी आपके शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव देखने मिलेंगे, अलग अलग तरह के, कि उस सब के कारण आपको जो डिजीज होगी, जो बीमारी होगी, उसको एक नाम दिया हुआ एड्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर एक इन्फेक्टेड आदमी से, जिसको ऑलरेडी एचआईवी है या एड्स है, उससे ये बीमारी एक स्वस्थ आदमी में कैसे आ सकती है। अगर इसके फैलने के मुख्य कारण अगर हम डिस्कस करें, जो कि हमें बहुत प्रॉपरली समझ लेना चाहिए, तो दोस्तों इसके जो मुख्य कारण है कि किसी भी तरह से अगर इन्फेक्टेड आदमी यानी जिसको बीमारी है उससे अगर स्वस्थ आदमी का कांटेक्ट हो जाए, किन किन चीज़ों का, अगर उनका ब्लड आपस में कांटेक्ट में आ जाए, यानी अगर खून जो है अगर बीमार आदमी का स्वस्थ आदमी के खून से मिल जाए, उसको एड्स हो सकता है। उसी तरह से अगर किसी बीमार आदमी का स्वस्थ व्यक्ति के साथ में वीर्य या सीमेन जिसको हम बोलते हैं, सीमेन के यानी वीर्य के द्वारा यह फैल सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज यानी योनि का जो स्राव है, डिस्चार्ज है, उससे जो वेजाइना का फ्लूइड है उससे भी बीमारी फैल सकती है। उसी तरह से किसी माता के दूध जो यानी कोई मदर जो ब्रेस्ट फीड कर रही है, लैक्टेटिंग मदर है, उसके द्वारा ये बीमारी फैल सकती है। कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में, तो उसके बच्चे को उसको फैल सकता है। उसी तरह से गुद्दा द्वार यानी अगर रेक्टम के जो सेक्रेशंस है, एनल के, एनस के जो सेक्रेशंस है, उसके द्वारा भी ये बीमारी फैल सकती है। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत प्रॉपरली हमें समझने की ज़रूरत होती है कि ये मेन मीडियम है जिससे एक आदमी के द्वारा दूसरे स्वस्थ आदमी के अंदर एड्स फैल सकता है। तो दोस्तों, हमने समझा कि कौन कौन से मीडियम है जिनके थ्रू एक स्वस्थ आदमी के शरीर में एक इन्फेक्टेड आदमी से एचआईवी आ सकता है और जिससे उसको एड्स बीमारी हो सकती है। अब हम समझते हैं कि रूटीन के अंदर ये किसी आदमी के शरीर में कौन कौन से तरीके हैं जिससे प्रवेश करता है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो इसका होता है वो है सेक्स। सेक्स यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आप कहीं ना कहीं किसी के आदमी के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आए, मान लीजिए कोई एक पुरुष है, महिला, कोई भी हो सकता है, किसी भी जेंडर का,
यानी चाहे पुरुष को बीमारी है और उसके साथ में महिला ने रिलेशन बनाया तो महिला को बीमारी आ जाएगी। ऑलरेडी जो लेडी है, महिला है, उनको एड्स है, एचआईवी वायरस उनकी बॉडी में, और एक हेल्दी पुरुष उनके पास गया, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए तो उनकी बॉडी के अंदर भी आ जाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब दो आदमी रिलेशंस बनाएंगे तो उनकी बॉडी का जो सीमेन है, वीर्य एक दूसरे के टच होगा, उसी तरह से वेजाइनल डिस्चार्ज है वो भी कॉन्टैक्ट में आएगा, तो इससे उनको जो है एचआईवी संक्रमण होने का पूरा चांसेस है। और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एचआईवी फैलने का। तो इसलिए कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए, यानी अगर कभी भी जो है अनजान आदमी के साथ में सेक्स हो रहा है या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, यानी अगर एक से ज़्यादा आदमी के साथ में अगर किसी को रिलेशन बना रही है, कोई महिला बना रही है, कोई पुरुष के अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है, यानी अगर आप अपने जीवन साथी के अलावा कहीं भी शारीरिक रिलेशन बना रहे हैं तो उससे बचें। और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो वो प्रोटेक्टेड सेक्स हो। इससे क्या मतलब हुआ कि आपको जो है कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। कॉन्डम यूज़ करने से आपकी एचआईवी जो इन्फेक्शन है इसके आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस कर देते हो। लेकिन बेस्ट है कि आप मल्टीपल पार्टनर से बचें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो बिल्कुल भी नहीं करें। दोस्तों जब हम सेक्स के थ्रू इस बीमारी को फैलने की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो एचआईवी का वायरस है ये आपको वेजाइना से भी मिल सकता है, आपको जो है सीमेन से यानी पुरुष के थ्रू जो उसके डिस्चार्ज से मिल सकता है। इसी के साथ में दोस्तों आपको अगर एनल सेक्स कर रहे हैं यानी गुद्दा मैथुन है उसके द्वारा भी एचआईवी फैल सकता है, ओरल सेक्स के द्वारा भी एचआईवी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पार्टनर के अगर मुंह में छाले हैं, कोई भी तरह का उनके मुंह के अंदर कोई तरह का कट लगा हुआ है, तो वहाँ के जो डिस्चार्ज है उससे भी आपकी बॉडी के अंदर एचआईवी आ सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने संबंध बनाते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करें, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखें, और फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कारण की बात करें तो ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यानी अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जिसको कि ऑलरेडी एचआईवी हुआ हुआ है, उनका ब्लड उन्होंने डोनेट कर दिया और उस ब्लड की अगर प्रॉपरली स्क्रीनिंग नहीं हुई, उसका प्रॉपरली लैब टेस्ट नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर ने अगर जो है ये गलती कर दी है ब्लड लेते समय, और एचआईवी इन्फेक्टेड आदमी का अगर एक हेल्दी आदमी की बॉडी के अंदर ब्लड चला जाता है तो इस तरह से भी उसको एचआईवी हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं क्योंकि पूरे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, बट फिर भी अगर किसी वर्कर ने गलती कर दी तो उसके कारण एक हेल्दी आदमी को एचआईवी हो सकता है। इसी तरह से अगर जो है कोई तरह का ऑर्गन डोनेट भी किया गया है तो उसके कारण भी एचआईवी हो सकता है। दोस्तों इसी तरह से निडल्स या सिरिंजेस, यानी अगर आपने एक ही सिरिंज, एक ही सुई, निडल जिसको सुई कहा जाता है रूटीन की भाषा में, अगर निडल एक आदमी ने यूज़ की जिसको एचआईवी था और वही निडल किसी हेल्दी आदमी की बॉडी में प्रिक हो गई, यानी उसके शरीर में चुभ गई या चुभा दी गई, तो उसको भी एचआईवी हो सकता है। दोस्तों ये कहाँ पर देखने को मिल सकता है? आजकल के युवा जिनको कई तरह के जो है नशे की आदत पड़ी हुई है, वो सिरिन से यानी सुई से नशा करते हैं। एक जने ने जो है उस सिरिन से कोई तरह का जो है नशा लिया, उसी वही सिरिन दूसरे उसके साथी ने यूज़ की, अगर उनमें किसी को भी एचआईवी था तो इस तरह से एचआईवी फैल सकता है। हालांकि गाँव में पहले इस तरह का चांसेस और ज़्यादा जो एक देखने को मिलता था कि वहाँ पे जो नीम हकीम होते थे, जो क्वैक्स हम जिनको कहते हैं, वो क्या करते थे, एक ही सुई से बहुत से मरीजों को सुई लगा देते थे, तो उससे भी आपको एचआईवी फैलने का रिस्क रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हालांकि आजकल इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की जाती, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आ गई हैं, नीडल्स आ गई हैं, और सिर्फ डिस्पोजेबल ही यूज़ की जानी चाहिए। उसी तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, लैब्स के अंदर काम करने वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, उनको भी दोस्तों एचआईवी होने का रिस्क रहता है। मान लीजिए उनके पास कोई पेशेंट ऐसा आ गया जिसका वो ब्लड सैंपल ले रहे हैं या उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं, और गलती से भी अगर वो सिरिंज उनको प्रिक हो जाती है तो वो उनका भी इसके लिए एक्सपोजर बढ़ जाता है और एचआईवी के रिस्क में वो भी आ जाते हैं। दोस्तों उसी तरह से वो मदर्स जो कहीं ना कहीं एचआईवी से इन्फेक्टेड रही हैं, उनका जो बच्चा होता है उसको एचआईवी का रिस्क है। वो मदर जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और जिनको एचआईवी है, तो ब्रिस्ट जो मिल्क है उसके अंदर भी एचआईवी फैलने का चांसेस रहता है। दोस्तों उसी तरह से अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है जिसको एचआईवी है, उसी ने किसी हेल्दी आदमी को काट खाया, जोर से उसको मतलब बाइट कर लिया और उसके ब्लड आ गया, तो उससे भी उसको एचआईवी होने का रिस्क रहता है। दोस्तों कुछ रेयर केसेस के अंदर जो है सावधानी रखने वाली बात यह भी है कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिनको एचआईवी हो रखा है और वो डीप किस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को अगर किस कर रहे हैं, और उस टाइम उनके जो है कोई
कोई भी कारण से, मान लीजिए मुंह में छाला है, कोई तरह का कट लग रहा है, वहां पे ब्लड आ रहा है, या उनके गम्स यानी मसूड़ों से खून आ रहा है, तो उसके कारण भी HIV एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। दोस्तों उसी तरह से मान लीजिए अगर कोई HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है, उनके गम्स यानी मसूड़ों में खून आ रहा है, उनके मुंह में कोई छाले या कोई कैविटी बना हुआ है जहां से उनको ब्लड आ रहा है, उन्होंने कुछ खाने की चीज खाई, एकदम उन्होंने काटा उसको मुंह से और तोड़ के इमीडिएटली कोई हेल्दी आदमी ने खाया जिसके भी ऑलरेडी मुंह के अंदर ऐसा कोई अल्सर या कट है, तो इमीडिएटली अगर इस तरह का कॉन्टैक्ट होता है तो उसके कारण भी जो है हेल्दी आदमी को HIV हो सकता है। इसलिए ये एडवाइस करेंगे कि एक दूसरे का झूठा खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी फैलने के चांसेस कम है बट रिस्क है, तो इसका हमें सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह ये भी जरूरी हो जाता है, आप ध्यान रखें कि कभी भी किसी का सेविंग किट यूज़ नहीं करें, आप किसी का यूज़ नहीं करें, आपका भी कोई दूसरा सेविंग किट यूज़ नहीं करें, इस तरह से भी जो है बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन फैलने का रिस्क रहता है। आप लोगों को टूथब्रश भी जो है एक दूसरे का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कभी भी बार बार यानी नाई के पास जा रहे हैं, आप दाढ़ी बनवाने जा रहे हैं, अपने हेयर कट लेने जा रहे हैं, तो भी इंश्योर करें कि वो हर बार नई ब्लेड यूज़ करें, किसी ऑलरेडी जो यूज़ की हुई ब्लेड है वो दोबारा यूज़ नहीं की जानी चाहिए, ये भी सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। दोस्तों अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अगर किसी व्यक्ति को HIV हो जाए, उसको अगर एड्स हो गया, तो आदमी किस तरह से अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है, किस तरह से वो घर के अंदर भी जो है दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, समाज में दूसरे लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में रह सकता है, और किस तरह से ये नहीं फैलता है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर किसी को HIV हो गया है, एड्स हो गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो बीमारी हो गई वो हो गई, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और इन सब के साथ में एक बहुत ही हेल्दी और नॉर्मल आप अपना जीवन जी सकते हैं, समाज के अंदर, अपने घर परिवार में और अपनी फैमिली के साथ के अंदर ही, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीमारी एक दूसरे से कॉन्टेजीनियस यानी संक्रमित एक दूसरे को रूटीन में नहीं करती है, तो हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार ये बीमारी नहीं फैलती है। दोस्तों सबसे पहली बात कि हमारी जो बॉडी के बहुत से सिक्रेशंस हैं उनसे ये फैलती है, जैसे हमने बात की कि आपकी बॉडी के अंदर मान लीजिए कि आपके सीमेन यानी वीर्य के डिस्चार्ज से फैलेगी, वेजाइनल डिस्चार्ज अगर टच में आ रहा है तो फैलेगी, अगर आपका गुद्दा का द्वार अगर दूसरे पार्टनर के टच में आ रहा है तो फैलेगी, यानी कहीं ना कहीं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल रही है, लेकिन हमारी बॉडी के दूसरे बहुत से सिक्रेशंस हैं जिनसे नहीं फैलती। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए HIV के पेशेंट हैं, उनकी आंखों से अगर आंसू गिर रहे हैं तो दूसरे आदमी को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आंसू से टीयर्स से ये बीमारी नहीं फैलती है, आप उनके आंसू पहुंच सकते हैं और उनके आंसू के कॉन्टैक्ट से आपको कोई भी तरह का खतरा नहीं है। दोस्तों उसी तरह से मुंह के सलाइवा से भी ये बीमारी नहीं फैलती है, मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ में बैठे हैं, उनके मुंह से कुछ थूक उछल रहा है, आपके ऊपर गिर गया है, कर गया, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उससे ये बीमारी नहीं फैलती है। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि खाना आप अलग अलग खाएं, क्योंकि कई बार जो है अगर मुंह में अल्सर हो गए हैं, गम्स ब्लीड वगैरह हो रहे हैं, एक दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए, उससे रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन आप एक साथ बैठ सकते हैं, हंसी मजाक करें, उससे कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों उसी तरह से HIV पेशेंट का अगर पसीना है तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वायरस पसीने में नहीं आता है और बीमारी पसीने से बिल्कुल भी नहीं फैलती है। उसी तरह से अगर वो घर के अंदर है और मान लीजिए सेम टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो भी कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि मल से या स्टूल से ये बीमारी नहीं फैलती है। जो एनस के सिक्रेशंस हैं, सिर्फ गुद्दा मेथुन है, अगर एनल सेक्स कर रहे हैं पार्टनर के साथ तो ये बीमारी फैल सकती है, लेकिन उनके मल से या स्टूल से बीमारी नहीं फैलती है। उसी तरह से दोस्तों उनके यूरिन या पेशाब में भी ये वायरस नहीं आता है, तो अगर जैसा मैंने बताया कॉमन टॉयलेट यूज कर सकते हैं, एक घर में आराम से रह सकते हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है। दोस्तों इसी तरह से एक रूम में साथ रहने से या सोने से, एक दूसरे को हग करने से, या आपने एक दूसरे से हाथ मिलाया, बॉडी को एक दूसरे को हमने टच किया, उससे भी ये बीमारी नहीं फैलती है, क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में ये बीमारी नहीं आती है। एक दूसरे के अगर आप कपड़े शेयर करते हैं उससे भी बीमारी नहीं आती है, हालांकि ये हेल्दी हैबिट नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह के कपड़े एक दूसरे के शेयर नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा एक दूसरे कपड़े कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो बीमारी नहीं फैलती है। तो दोस्तों हमने समझा कि किस प्रकार ये बीमारी फैलती है और किस प्रकार ये बीमारी नहीं फैलती है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझे, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करे, जिससे लोगों का ये जो है कंफ्यूजन खत्म हो कि क्या HIV है, क्या एड्स है, और कि बीमारी कितनी खतरनाक है, किस तरह से इसको फैलने से हमारे घर में, परिवार, समाज में हम जो है बचा सकते हैं और आने वाले हमारा यूथ और परिवार जो है बिल्कुल भी खराब नहीं हो, और किस तरह से अगर किसी को यह बीमारी दोस्तों हो भी गई है तो किस तरह से वो हेल्दी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या लक्षण यानी क्या सिम्टम आएंगे जिससे आपको पता चले कि आपको
HIV AIDS तो नहीं हो गया, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैं कल मेरे YouTube चैनल पे शेयर करूंगा और उसका लिंक भी मैं इसके साथ दे दूंगा। अगर आप सिम्टम्स और ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में जो मैंने आपको HIV और AIDS के बारे में जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।